नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ओप्पो कंपनी की ओप्पो रेनो 4 सीरीज को लेकर बहुत दिनों से लीक्स डिटेल सामने आ रही थी, लेकिन दोस्तों आखिरकार कंपनी ने अपनी ओप्पो रेनो 4 सीरीज को चाइनीज मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर आपको दोस्तों ओप्पो रेनो 4 और ओप्पो रेनो 4 प्रो स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन अंदर आपको बड़े और अच्छे फीचर्स तो दिए ही गए हैं, लेकिन दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन का लुक और इनका डिजाइन भी बढ़िया है। तो दोस्तों, ओप्पो रेनो 4 और 4 प्रो दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है, इनके अंदर आपको बड़े अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन के फीचर के अंदर आपको कुछ चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करके बताएंगे कि ये दोनों स्मार्टफोन एक दूसरे से कितने अलग होंगे और इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स एक जैसे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी ओप्पो कंपनी के फैन है तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें, और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन के लुक और इनके डिजाइन की, तो दोस्तों ओप्पो रेनो 4 स्मार्टफोन अंदर आपको ड्यूअल सेल्फी कैमरा के लिए ड्यूअल कटआउट वाली पंच होल नोच डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और इसके अंदर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जबकि दोस्तों ओप्पो रेनो 4 प्रो मोबाइल के अंदर आपको सिंगल पंच होल नोच डिस्प्ले देखने को मिलती है। हालांकि दोस्तों इसके बैक पैनल पर भी आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप ही देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में, तो दोस्तों ओप्पो रेनो 4 स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 6.4 इंच की फुल HD ड्यूल कटआउट वाली पंच होल नोच डिस्प्ले दी है, जो कि 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ है, और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। जबकि दोस्तों बात की जाए ओप्पो रेनो 4 प्रो स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने 6.5 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड पंच होल नोच डिस्प्ले दी है, जो कि 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ है, और इसका एस्पेक्ट रेशियो भी 20:9 है, और यह 19 Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। तो दोस्तों, अगर इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के डिफरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ओप्पो रेनो 4 प्रो स्मार्टफोन अंदर आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और इसके अंदर आपको दोस्तों 19 Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी मिल जाएगा, जबकि दोस्तों ओप्पो रेनो 4 स्मार्टफोन अंदर आपको ड्यूल कटआउट वाली पंच होल नोच डिस्प्ले देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के वेरियंट्स के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए ओप्पो रेनो 4 स्मार्टफोन की, तो दोस्तों यह स्मार्टफोन आपको मार्केट में 8 GB रैम के साथ देखने को मिलेगा, जिसके साथ आपको 128 GB और 256 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए ओप्पो रेनो 4 प्रो स्मार्टफोन की, तो दोस्तों यह स्मार्टफोन आपको मार्केट में 8 GB और 12 GB रैम के साथ देखने को मिलता है, जिसके साथ आपको 128 GB और 256 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ओप्पो रेनो 4 स्मार्टफोन अंदर आपको सिर्फ एक ही वेरियंट देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए ओप्पो रेनो 4 स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको कंपनी ने 48 MP, 8 MP और 2 MP का रियर कैमरा और 32 MP और 2 MP का ड्यूअल फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया है। जबकि दोस्तों बात की जाए ओप्पो रेनो 4 प्रो स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको कंपनी ने 48 MP, 12 MP और 13 MP का रियर कैमरा और 32 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया है। तो दोस्तों, अगर इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा के डिफरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको लगभग एक जैसे ही कैमरा सेंसर देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों ओप्पो रेनो 4 स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने ड्यूअल सेल्फी कैमरा दिया है, जबकि दोस्तों ओप्पो रेनो 4 प्रो स्मार्टफोन के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल और टेलीफोटो कैमरा सेंसर बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों, बताते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने एक जैसा ही प्रोसेसर दिया है। दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 765G का चिपसेट दिया है, और दोनों स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किए गए हैं, जो कि कलर OS 7.2 के ऊपर काम करेंगे, और ग्राफिक के लिए इन मोबाइल के अंदर आपको एडिनो 620 का GPU देखने को मिलेगा। तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के अंदर आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको दोस्तों स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट और बढ़िया चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 5G कनेक्टिविटी के सपोर्ट के साथ आता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 65 वाट के सुपर वूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 4000 mAh की बड़ी और अच्छी पावरफुल बैटरी दी है। तो दोस्तों बैटरी के मामले में भी दोनों स्मार्टफोन सेम रहेंगे। दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको 4000 mAh की बड़ी और अच्छी बैटरी देखने को मिल जाती है, लेकिन दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन की सबसे खास बात, इनके अंदर आपको 65 वाट का सुपर वूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है, जिससे ये दोनों स्मार्टफोन बहुत ही फास्ट चार्ज होंगे। तो दोस्तों मुझे इन दोनों स्मार्टफोन का चार्जिंग सिस्टम बहुत ही बढ़िया लगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में। दोस्तों अगर इन दोनों स्मार्टफोन के फीचर्स को देखा जाए, तो इन दोनों स्मार्टफोन के फीचर्स के अंदर आपको दोस्तों इतना ज्यादा भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, लेकिन दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के प्राइस के अंदर आपको डिफरेंस देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ओप्पो रेनो 4 प्रो स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत इंडियन करेंसी के अनुसार लगभग 32,000 रुपए के आसपास रखी गई है, जबकि दोस्तों ओप्पो रेनो 4 प्रो स्मार्टफोन की शुरुआती वेरियंट की कीमत लगभग 40 से 41 हजार रुपए के आसपास रखी गई है। तो दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन की कीमत के अंदर आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों
ये दोनों स्मार्टफोन इंडिया में कब तक लॉन्च किए जाएंगे इनके बारे में जानकारी नहीं मिली है, लेकिन दोस्तों ये दोनों स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया और अच्छे स्मार्टफोन हैं। तो दोस्तों आपको ये स्मार्टफोन कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।